जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, पहले तो आप यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर आकर के शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर जब आपको लगे कि आप इन क्वालिफिकेशन या फिर इन डिटेल के अनुसार इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो, तो आपको नीचे आना है। और नीचे आने पर आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दिया जा रहा है एप्लीकेंट नेम, यानी कि यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम फिलअप करना है और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। फादर नेम यानी कि आपके पिताजी का नाम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है वो भी यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको अपनी माताजी का नाम भी यहाँ पर एंटर कर देना है। आपका जो भी जेंडर है वो आपको चूज कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। पहले डे सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद मंथ सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आपको अपना बर्थ ईयर चूज कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है मोबाइल नंबर, मैं यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर फिलअप कर देता हूँ। आपको भी सेम तरीके से अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा क्योंकि आपको इसको वेरीफाई भी करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको नंबर भरने के बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा प्लीज एंटर ओटीपी सेंड टू योर फोन, यानी कि इन्होंने आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे ही आपका नंबर वेरीफाई हो जाए तो यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है। फिर यहां पर दोस्तों आता है यूजर नेम, आपका जो भी आप यूजर नेम रखना चाहते हो यहां पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आपको यहां पर एक पासवर्ड चूज करना होगा। तो चलिए हम यहां पर एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं जिसकी जो लेंथ है वो 7 से 15 कैरेक्टर के बीच होनी चाहिए। तो चलिए यहां पर हम एक पासवर्ड चूज कर लेते हैं। इसके बाद जो भी पासवर्ड आपने यहां पर फिलअप किया है इस पासवर्ड को आपको दोबारा से डाल करके कन्फर्म कर देना है। अब ये सब करने के बाद जो भी यहां पर कैप्चा कोड दिया जा रहा है वो कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करने से पहले आपने जितनी भी जानकारी यहां पर भरी है आप इनको एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि आप इन जानकारी को बाद में एडिट बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो श्योर होकर के आपको यहां पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अभी यहां पर आपको अप्लाई करना है, तो आपको अप्लाई करने के लिए फिल फॉर्म स्टेनोग्राफर हिंदी या फिर फिल फॉर्म स्टेनोग्राफर इंग्लिश इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको डिसाइड करना कि आप हिंदी के लिए आवेदन कर रहे हो या फिर इंग्लिश के लिए आवेदन कर रहे हो। तो चलिए मैं यहां पर हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपके रजिस्ट्रेशन की कुछ जानकारी पहले से मौजूद है और कुछ जानकारी भी आपको यहां पर भरनी होगी। जैसे कि यहां पर आपसे पूछा जा रहा है बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ, यानी कि क्या आप राजस्थान के निवासी हो या फिर अदर स्टेट के हो। तो यहाँ से मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर दोस्तों जैसे ही राजस्थान आप चूज करते हो तो आपको अपनी होम डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी भी यहाँ पर चूज करनी होगी। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप अदर स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हो तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाओगे भले ही आप किसी भी कैटेगरी से इस फॉर्म को भर रहे हो। फिर आती है नेशनलिटी, तो यहां से आपको अपनी नेशनलिटी चूज कर लेनी है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो यहां से आपको सेलेक्ट कर लेना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपके कितने हैं, 6/7/2010 से पहले आपको यहां पर डालना है और 6/7/2010 के बाद कितने थे वो आपको यहां पर एंटर करना है और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहां पर डालना होगा। और ये जानकारी सिर्फ उन्हीं को भरनी है जिनकी शादी हो चुकी है। फिर यहां पर नीचे आती है आपकी स्पेशल कैटेगरी जिसमें कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, कि आप विकलांग हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी आपको तब चूज करनी होगी अगर आप यहां पर यह सिलेक्ट करते हो। अब आता है इंप्लॉई सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द स्टेट इन ए सबस्टेंटिव और इन ए टेम्पररी कैपेसिटी, अगर कर रहे हो तो आपको यहां पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। रिजर्विस्ट डिफेंस सर्विस पर्सनल, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। एक्स सर्विस मैन हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहां पर भी आपको नो कर देना है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, क्या आप एक मेधावी जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी है वो हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। डेट ऑफ बर्थ एंड एज यहां पर आपकी दी जा रही है। फिर आते हैं अपॉइंटमेंट प्रीफ्रेंस, यानी कि आप किसे कितनी ज्यादा प्रीफ्रेंस देना चाहते हो। तो यहां पर आपके दो एरिया है, एक है टीएसपी, एक है नॉन टीएसपी। फिर आती है आपकी प्रीफ्रेंस, तो आपको अपनी प्रीफ्रेंस चूज कर लेनी है। फर्स्ट प्रीफ्रेंस, सेकंड प्रीफ्रेंस आप किसे देना चाहते हो आपको चूज करना है। थर्ड प्रीफ्रेंस आप किसे देना चाहते हो चूज करना है। और फोर्थ आप किसे दे रहे हो आपको सिलेक्ट करना है। और फाइव भी आपको सेम तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। यह करने के बाद यहां पर आपकी एड्रेस की जानकारी आ जाएगी, तो यहां पर आपको अपनी एड्रेस की जानकारी भर देनी है।
तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर देता हूँ, आपको भी सेम तरीके से यहाँ पर ये जानकारी भरनी होगी। इसके बाद जो भी आपका विलेज है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम ही एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ, पर आपको अपना रियल एड्रेस भरना होगा। आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, पिन कोड यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का डाल देना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी स्टेट चूज कर लेनी है कि आपका जो एड्रेस है वो कौन सी स्टेट का है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं फ़ोन नंबर विद एसटीडी कोड, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है, और नीचे आने पर आप देखोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पर दिया है आपका नेम ऑफ एग्जामिनेशन जो कि है सबसे पहले सेकेंडरी यानी कि 10वीं पास, तो आपने किस बोर्ड से की है आपको उस बोर्ड का नाम यहाँ पर दे देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम यूपी बोर्ड लिख देता हूँ। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर पास किया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और आपकी डिवीजन क्या थी वो आपको चूज कर लेना है, या फिर आपकी ग्रेड क्या थी। तो चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड एंटर कर देते हैं। अब आता है सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं, तो आपको बोर्ड नेम डालना है, इसके बाद आपने किस ईयर के अंदर पास किया वो डालना है, और आपकी ग्रेड क्या थी वो आपको यहाँ पर चूज एंड यानी कि एंटर कर देनी है। अब आता है कंप्यूटर कोर्स जो कि इसमें आवेदन करने के लिए ज़रूरी है, तो इनमें से अगर आपके पास कोई एक कोर्स है तो तभी आप आवेदन कर पाओगे, या फिर आप नीचे देख पा रहे हो एनी इक्विवेलेंट या हायर क्वालिफिकेशन यानी कि जो कंप्यूटर के बराबर हो या फिर उससे हायर हो, तो आप ये चूज कर लीजिए अगर आपके पास इन कोर्स के अलावा कोई और कंप्यूटर कोर्स है तो। तो चलिए मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपने सेम तरीके से चूज करना कि आपने किस ईयर के अंदर पास की है, तो चलिए हम यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको ग्रेड भी एंटर कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसके ऊपर ग्रेड डाल देते हैं, पर यहाँ पर अगर आपके इसमें ग्रेड नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आती है अदर इन्फॉर्मेशन जो जिसमें कि आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि डू यू हैव मोर देन वन स्पाउस लिविंग यानी कि क्या आपकी दो पत्नी है जो कि अभी रिसेंट में जीवित है, तो आपको येस करना होगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। हैव यू एक्सेप्टेड डोरी इन योर मैरिज, क्या आपने अपनी शादी के अंदर दहेज लिया था, तो आपको येस करना, नहीं तो आपको नो कर देना है। वेदर एनी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि क्या आपके ऊपर कोई FIR दर्ज है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहां पर आपको नो कर देना है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड और एनी अदर ऑफेंस बाई ये कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि क्या आपके ऊपर कोई केस है जिसमें कि आप दोषी पाए गए हो, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। हैव यू बीन परमानेंटली डिबरेड और डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम अपियरिंग इन एनी एग्जाम, क्या आप निकाले गए हो किसी एग्जाम से, तो आपको येस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। ये सब करने के बाद नीचे डिक्लेरेशन दिया जा रहा है, इसके ऊपर आई एग्री ऑटोमेटिकली है, नहीं है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। फिर आता है पैलेस यानी कि किस जगह से आप इस फॉर्म को भर रहे हो, तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम पैलेस लिख देता हूँ। डेट यहाँ पर आपकी दी जा रही है। अब यहां पर आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, तो जो आपके फोटो का साइज है वो 10 से 25 केबी के बीच रहना चाहिए, और फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का रहना चाहिए, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर भी आपका इमेज है वो आपको अपलोड करना होगा। मैं यहां पर एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूं क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं, तो चलिए मैं यहां से ये इमेज सिलेक्ट कर लेता हूं। आपको भी यहां से सेम तरीके से इमेज सिलेक्ट करना है, कोई भी आप रैंडम इमेज यहां पर अपलोड कर सकते हो, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इमेज आ जाएगा। फिर आता है अपलोड सिग्नेचर, तो आपको सेम तरीके से जो आपका सिग्नेचर है वो अपलोड करना होगा, तो चलिए यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं। अब आता है यहाँ पर जो आपका कैप्चा कोड है वो, तो आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप कर देना है, और इसको फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपने जो जानकारी भरी है वो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर आपको लगे कि कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप उसको सही कर लीजिए, नहीं तो आपको नीचे आकर के यहाँ पर सेव एंड मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर सेव एंड मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपकी पेमेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज, वेट फॉर फ्यू सेकेंड, तो आपको वेट करना है, और वेट करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा जहां से आपको अपनी फीस जमा करनी है, तो अभी यहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको रिडायरेक्ट किया जा रहा है आपकी पेमेंट की वेबसाइट के ऊपर, तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है, तो यहाँ पर अगर आपको अपनी फीस नेट बैंकिंग के माध्यम से करनी है तो आपको यहाँ पर बैंक चूज कर लेना है। दोस्तों अगर आप नेट बैंकिंग के अलावा दूसरे किसी माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एग्रीगेटर के ऊपर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट बैंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर बिल डेस्क चूज कर लेना है। तो चलिए हम इसको चूज करते हैं, और अब यहाँ पर हम पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देते हैं। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पूरी बिल डेस्क आ जाएगी, और आप इनमें से जिस भी माध्यम से अपनी फीस जमा करना चाहते हो कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट आपको और करना है। अब यहाँ पर आपके सामने जानकारी आ चुकी है, तो आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है,
और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपके सामने आ चुकी है आपकी बिल डेस्क। तो यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश कार्ड, क्यूआर या फिर यूपीआई, यानी कि इनमें से आप जिस भी माध्यम से फीस जमा करना चाहते हो कर सकते हो। और दोस्तों जैसे ही आप अपनी फीस जमा कर दे तो आपको 5 से 10 सेकेंड के बीच ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपको इस वेबसाइट के ऊपर, और आप यहाँ पर अपनी जो फीस का स्टेटस है वो कंप्लीट देख पाओगे। पर अगर आपकी फीस अकाउंट से कट हो जाए और यहाँ पर अपडेट ना हो तो आपको 24 से 48 घंटों का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस या तो रिफंड हो जाएगी या फिर अपडेट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये भी है कि आपको दोबारा से एकदम से फीस जमा नहीं करनी है, क्योंकि उससे फिर आपकी दो दो बार फीस जमा हो जाएगी और आपको वो रिफंड भी नहीं की जाएगी। और जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाए तो यहाँ पर आपको नीचे आकर के प्रिंट फॉर्म जो कि आपने फिलअप किया है हिंदी या फिर इंग्लिश के, उसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म को प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। और इस प्रकार से आप इस सिंपल से तरीके से अपने राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर फॉर्म को भर पाओगे। तो दोस्तों बस यही थी जानकारी आपकी राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।